एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अपनी पार्टी का प्रचार जोरों पर चल रहा है। सदरकोट, बाला और चेवा में रैली का नेतृत्व उस्मान मजीद और इम्तियाज पारे ने किया। अपनी पार्टी ने गुरुवार को सदरकोट, बाला और चेवा में सिलसिलेवार चुनावी सभाएं कर लोगों से अपनी पार्टी नाजा बेगम समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और उस्मान मजीद और इम्तियाज पर्रे द्वारा नए शामिल होने का स्वागत किया गया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाओं की श्रृंखला आयोजित की और लोगों को विकास के लिए मतदान करने के लिए संबोधित किया। पिछले 70 वर्षों से लोगों के मूल मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहने के लिए नेताओं ने इस अवसर पर पारंपरिक दलों की आलोचना की। उन्होंने लोगों से अपनी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने की अपील की जो आपके विकास के लिए काम कर सके। जिन नेताओं ने जनसभाओं में भाग लिया उनमें अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता इम्तियाज पर्रे, DDC सदस्य फिरदौसा बेगम, BDC नैदा खाई व घन अभी गनी और अपनी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। सच्ची सियासत को समझना, आज तक जो फरेब और धोखा इन सियासी पार्टियों ने लोगों को दिया है उससे लोग अब निकल चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि सही सियासत क्या है, गलत क्या है, लोगों के हित में क्या है क्या नहीं है। उस चीज़ को समझ के मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से हमें रिस्पांस है, लोग जिस तरीके से पॉजिटिव अंदाज में सामने आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है ये सीट हम ले जाएंगे। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके वहाँ जलसे में ये बताया कि हुकूमत हमारी होगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, बहकावे के सियासत से लोग बाहर आए हैं, जज्बाती सियासत से बाहर आए हैं। अब लोग वो चाहते हैं जो उनके हित में है, लोग वही बात समझना चाहते हैं जो उनको ये कि आज के दिन के चैलेंज जो है, आज के दिन के चैलेंज जो लोगों के, चाहे वो बिजली पानी सड़क जो भी डेवलपमेंट हो या उनके और रोज़गार के साधन पैदा करना, ये सबसे बड़ी बात है। इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको दूर करने का, वो चैलेंज लोग समझ रहे हैं और उनको पता है कौन पार्टी इसमें रोल कर रही है। हम कोई भी ऐसी सियासत नहीं करेंगे जिससे लोगों को धोखा देंगे। और मैंने पहले भी कहा हुकूमत हमारी बनेगी और अगली हुकूमत हमारी होगी। ये मैं आपको, शेख साहब जैसे बड़े लीडर का रोल नहीं था इसमें। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करते हैं, क्या कभी शेख साहब को पूछा गया आप बीच में आइए? क्या किसी कश्मीरी से पूछा गया आप बीच में आइए? आप आत्मना कश्मीर पर छायरी पैजामन में जंग त्रावनी, जब मेरा रोल ही नहीं है मैं क्यों ऐसी बात कहूँ जहाँ जज्बात में लोगों के इस्तेसाल जज्बात का करूँ? ये जज्बाती साहस चलने वाली नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं इनके पास भेजने के लिए क्या है। पहले तो 370 का ढंडोरा पीट रहे थे, वो PAGD इलेक्शन में उन्होंने जिस तरीके से विजिट ली, फिर उसके बाद क्या उन्होंने एक बात की है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो उनको ये जज्बा है। आपको बताऊँ, आपने अभी हमारा 20-point प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हमारा चौथे नंबर पर ये है कि यहाँ के रिसोर्सेज जो है, जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज है, वो उन्हीं लोगों को हक है इस्तेमाल करने का जो वहाँ के रहने वाले हैं। आप जाके बाहर वाले को तो भेज नहीं सकते हैं। और हम आज कह रहे हैं और कह भी दिया है कि अगली जो ही हुकूमत बनेगी सबसे पहले हम इस बिल को चेंज करेंगे, इस लॉ को चेंज करेंगे कि यहाँ के लोगों को हक है यहाँ के रिसोर्स का इस्तेमाल कर। या तो ये है जिस तरीके से आप लोगों का रेस्पॉन्स देख रहे हो, अपने पार्टी में जो धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे हैं, अभी आप श्रीनगर में मेरे ख्याल में लोग कह रहे हैं 45 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद आज इतनी बड़ी रैली कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर में देखा है। श्रीनगर शहर में लोगों से भरा पड़ा हुआ पूरा रात तक जान रहा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग दूर दराज इलाकों से, श्रीनगर शहर से, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, हर कश्मीर के कोने कोने से लोग आए। वो क्या है, क्या ज़बरदस्ती कोई किसी को लाया? क्या हमने यहाँ किसी को ज़बरदस्ती लाया कि आप हमारी बात सुनिए? इसका कारण ये है कि लोग बड़ा ताकत है, लोग अच्छे और बुरे में तमीज़ कर रहे हैं और अगली सरकार इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं हमारी है। उन्हें इसका हेलीकॉप्टर निशान है। हम इनकी तरह इनको वो नहीं कि हम उनको जवाबदेह बनाएंगे कल लोगों के सामने। वो जो लड़की हमारे सामने अभी जो बात कर रही है, जो हमारे सामने कैंडिडेट है, इसको हम जवाबदेह बनाएंगे कल, बोलेंगे घर घर जाइए। जिस तरीके से मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं बांडीपोरा के अंदर कर रहा हूँ, हर जगह पहुँच रहा हूँ, हर इंसान से रब्ता है, इसी का इसलिए जिम्मेदारी हो। हम इसको ये इसमें जामिन है लोगों की, आप इसे वोट दीजिए और आपके डेवलपमेंट में ये काम आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।